हेलो फ्रेंड्स, आज हम टियर डाउन करने वाले हैं इस कार को। आप देख पा रहे हैं रिमोट कंट्रोल कार है। अब सबको इच्छा होती है कि इसके अंदर क्या है देखा जाए, लेकिन वह खोल नहीं पाते होंगे क्योंकि उन्हें डर रहता होगा कि उनकी अम्मी मारेंगी। इसलिए आज मैं आपको टियर डाउन करके दिखा रहा हूँ ये कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसके स्क्रू पहले ही खोल लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देख पा रहे होंगे इसमें से ये आईसी निकली है, ये आईसी के सर्किट बोर्ड निकला है। इसमें कनेक्शंस दिए रहते हैं, इसमें कनेक्शन है वोल्टेज माइनस वोल्टेज प्लस। इसमें वोल्टेज दिया जाएगा और आपका है बैक फ्रंट राइट और लेफ्ट। तो जो बैक फ्रंट होता है वो इस वाले पीछे वाले के लिए होता है। दो का वायर लगे होते हैं बैक और फ्रंट करने के लिए, और इसमें लगे होते हैं दो वायर राइट और लेफ्ट करने के लिए। इसमें मोटर के दो ही वायर होते हैं, जिसमें एक एक पावर देंगे तो राइट में मूव करेगा, एक में पावर देंगे तो लेफ्ट में मूव करेगा, जो इस बोर्ड के कारण होता है। और ये जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है ये एंटीना का काम करता है। इसमें ये जो रेड कलर का वायर है ये एंटीना का काम करता है, जिसमें ये जो लगा हुआ ये चीज़ इंडक्टर होती है, ये आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ इंडक्टर होती है। और ये बाजू में कैपेसिटर लगा हुआ है ताकि इसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए कैपेसिटर है। इंडक्टर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है ताकि ये दूर से ही वर्क कर सके। आप देख पा रहे होंगे रिमोट कंट्रोल कार कितनी दूर से वर्क करती है। इंडक्टर लगे होने के कारण इसका एंटीना अच्छा वर्क करता है। इसमें पीछे आईसी लगी हुई है, आईसी के नंबर मैं बताता हूँ आपको। ये CJ6708 आईसी लगी हुई है जो कंट्रोल करती है, सॉफ्टवेयर से कंट्रोल रहती है, पहले से ही रिमोट के लिए वर्क करती है। एक स्पेशलाइज्ड रिमोट में ही वर्क करती है, उसी के साथ वर्क करेगी। और ये पहले से डिज़ाइन रहती है ताकि सर्किट में पावर सप्लाई लिए जाती है। यहाँ पे सेल लगाए जाते हैं जिससे पावर सप्लाई लेती है और फिर रिमोट से कंट्रोल से वर्क करके इसमें पावर देती है आगे वाली बैटरी इसमें, ताकि लेफ्ट राइट मूव करे। ये देख पा रहे होंगे आप लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, और ये फ्रंट और बैक मूव करने के लिए इसमें पावर देती है। इसमें देख पा रहे होंगे ये जो छोटा सा लगा है ये कैपेसिटर कहलाता है। ये PF होता है नॉर्मली, और 104 है इसका PF की वैल्यू है 104, जो लगाया जाता है ताकि मोटर इसकी जल्दी ख़राब ना हो, ताकि इसमें ज़्यादा पावर जाए तो इसको कंट्रोल कर सके और ये जल्दी ख़राब ना हो।